नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गोड़सरा गांव के बलुआ खेल मैदान पर मशहूर हॉकी खिलाड़ी शहीद बद्रुद्दीन खां की 66वीं स्मृति में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गुरु को किया गया, जिसमें सिकरीय और विहार 11 टीम के बीच रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में सिकरीय की टीम ने विहार 11 को 3-2 से हराकर इस ऐतिहासिक फाइनल मैच में जीत दर्ज की। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जावां खान ने फीता काटकर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर व गेंद को किक मारकर किया। खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए जावां खान ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की जनता से आज जो सम्मान मिला है वह अद्वितीय है, इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वह कम है। कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं ने खेल के प्रति काफ़ी लगाव है। इस क्षेत्र के युवा अपने खेल प्रतिभा के बदौलत इस क्षेत्र को सम्मान पूरे देश में दिलाया, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं इस प्रतिभा से धनी क्षेत्र में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसमें कैसा महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश के, वो भी उत्तर प्रदेश बिहार के कैबिनेट मंत्री के रूप में, पड़ोसी जनपद में, पड़ोसी प्रांत में क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो बॉर्डर में क्रॉस किया तभी तमाम नौजवान को 25-30 गाड़ी लेकर रिसीव किए, क्योंकि हमारा पुराना रिलेशन रहा है, पुराना रिलेशन इस जिला में, आपके गाजीपुर जिला में बहुत सारे नौजवान उत्साहित थे। मुझे उम्मीद है जिस तरह लोगों का आशीर्वाद दुआ लगा, मैं कैमरे मिस्टर बना निश्चित तौर पर, अगर यहाँ मैं आऊँगा यहाँ भी मजबूत पार्टी बने। खेल खेल के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं? खेल के प्रति संदेश ये, चूँकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, मैं लोगों के लिए चूँकि बैठकर बात करूँगा, नौजवानों के लिए, चूँकि यहाँ जो भी कैमरे मिस्टर खेल के हैं वो भी हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, उनसे मैं कहकर कुछ यहाँ मजबूत काम करूँगा और समय बताएगा भी कहना जल्दीबाजी होगा। अब थोड़ा सा राजनीति से हम जोड़ रहे हैं इस पहलू को। तो पहले आप बसपा से चुनाव जीते जी, और आपने जदयू को ग्रहण करके मंत्री बन गए हैं, तो क्या आप क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं किए? धोखा नहीं है, जनता के बीच में मैंने 1,00,000 वोट पाया था, सारे समाज और पार्टी के लोग, जाति के लोग समर्थन और प्यार दिए थे। मैंने वहाँ विश्वास दिलाया था कि मैं क्षेत्र का विकास करूँगा। मुझे लगा कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी विकास पूछ से मंथन किया, अध्ययन किया, लगा कि सरकार में रहूँगा तो मैं क्षेत्र का और जिला का विकास करूँगा। आपको जनता ने बसपा प्रत्याशी के रूप में वोट दिया? जी नहीं, 1,00,000 वोट पाया हूँ, तमाम समाज, तमाम पार्टी के लोगों ने समर्थन प्यार दिया था। बीएसपी का भी वोट मिला, जदयू का भी मिला, बीजेपी का भी मिला, आरएसएस का भी मिला। 1,00,000 मैं वोट पाया, मुसलमान होकर 20 साल मेरा पोलिंग वोट है, मुझे 1,00,000 वोट मिला था। आप सबके आशीर्वाद से, मैं जितने भाई खड़े हैं सबके मोहब्बत से, आशीर्वाद से 1,00,000 वोट पाया हूँ, इसलिए मैं वहाँ धोखा नहीं देना चाहता था। मैं चाहता क्षेत्र का विकास। मुसलमान शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ जो आज चल रहा है देश के अंदर मुसलमान, उससे मैं कह रहा हूँ कि 20,000 मुसलमान पोलिंग वोट है, फिर भी मुझे 1,00,000 वोट मिला, इसका मतलब है तमाम समाज के लोग मुझे चाहते थे। मैच में सिकरिया की टीम की ओर से सैफ ने पहला गोल दागा, लेकिन कुछ क्षणों में बिहार 11 की टीम ने पेनाल्टी शूट में गोल दाग कर मैच को बराबरी पर ला दिया। राशिद सिकरिया ने दूसरा गोल किया। दूसरे हाफ के खेल में सिकरिया की टीम ने एक और बिहार 11 ने 1-1 गोल किया। इस तरह सिकरिया की टीम ने 3 और बिहार 11 ने 2 गोल किया। इस तरह सिकरिया की टीम ने 3-2 से मैच जीत लिया। विशिष्ट अतिथि युवा बसपा नेता परवेज खान ने कहा कि खेल से शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास का सृजन होता है। इस अवसर पर गांव के भूतपूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें ऐनुल हक खान, सुब्रतो खिलाड़ी, पूर्व प्रधान सगीर खान, हातिम खान, अबरार खान, शाहिद खान, जावेद खान, शाहनवाज खान उर्फ नाजा का नाम शामिल है। कमेंटेटर इरफान खान एवं मोहसिन खान ने संयुक्त रूप से किया। लाइन्समैन इमरान खान एवं हिसामुद्दीन खान रहे। इस मौके पर तबरेज खान, शमीम खान, शाहिर खान, मिसबा खान, मोनू, राजू खान, वाजिद खान, शहाब खान, शमशाद, एजाज खान, ग्राम प्रधान भोलू खान, सज्जाद खान सलाम, अनवर मोहसिन, वसीम नौशाद, शौकत सलीम, सऊद अली खान आदि। आयोजनकर्ता तौकीर खान ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। ये खास रिपोर्ट थी नसीम खान की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।